तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें स्क्वायर लूप है जिसका एरिया पहले से दिया हुआ है। स्क्वायर लूप का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर लूप की रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 ओम पहले से दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लगा हुआ है 4.0 टेस्ला। द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो यहाँ पर स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप को यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो लूप है यहाँ पर, इस लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन बना देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है और इससे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस लूप। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू, अब मुझे इसको पुल करना है। अपने आप तो बाहर आएगा नहीं भाई, एक्सटर्नल एजेंट इसको पुल करके निकालेगा। तो अगर इसको एक्सटर्नल एजेंट पुल करके निकालेगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन पुलिंग द आउट ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली 0.1 सेकेंड। कितने टाइम में बाहर आ जाएगा? 1 सेकेंड में लूप बाहर आ जाएगा। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो मेरे भाई, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है यार, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले जब ये लूप बाहर आ चुका होगा, ये लूप यहाँ होगा, बाहर में आएगा, तो लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें EMF डेवलप होगा, तो चेंज इन फ्लक्स ∅2 - ∅1 / time t। तो ∅2 ज़ीरो हो गया और यहाँ से तो ∅1 / time t, तो ∅1 = कितना हो जाएगा? तो BA cos 0 और टाइम 1 सेकेंड लग गया, ठीक है ना। तो टाइम इसको 1 सेकेंड लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड 40 × एरिया वेक्टर कितना है? तो 25 × 10⁻⁴, ठीक है। तो 25 × 10⁻⁴ मतलब 0.1 वोल्ट आ जाएगा EMF, ठीक है ना। तो ये जो EMF जो डेवलप होगा इसमें 0.1 वोल्ट का EMF डेवलप होगा। अब हम सबको पता है कि अगर टॉर्क, जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है भाई? MB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर है, साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो टॉर्क इस पे लगेगा ज़ीरो। तो टॉर्क ज़ीरो लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस लूप −MB cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है। तो अगर तुम रखोगे तो ये −MB, और MB मैग्नेटिक मोमेंट NIA करेंट इन लूप मल्टीप्लाइड बाई ये वाली जो चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन जब यहाँ पर ये इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका होगा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बी ज़ीरो हो जाने से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वो प्लस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस NIA और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये सब कट के ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो बचेगा वो NI करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। तो अब इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सारी वैल्यू रखो, तो सारी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? तो मेरे भाई उसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भाई? तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक ही है और EMF 0.1 है, और रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर देखो, ऊपर 10 और यहाँ से एरिया 25 × 10⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से 40 टेस्ला। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को खा गया,
और यहाँ से 100 और अपॉन 10 और यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4, तो एक जीरो एक जीरो मतलब ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, इसका सलूशन आ जाएगा जूल। दिस इज़ द वर्क डन, फाइनल सलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, क्योंकि यार जो मैं मेरा सलूशन है, मैं बहुत मेहनत करके इसको बनाता हूँ, लिखता हूँ मैं लोग का। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस यूनिक सलूशन के मेरे मेहनत को। कोई बात नहीं, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।